अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपके मन में थोड़ा तनाव हो सकता है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है और अपने मन को, ऊर्जा को संतुलित रखें। व्यापार से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। आज आपके आय के संसाधन बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत सुदृढ़ होगी। जो खर्चे हैं वो थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके नाते आपको चिंता हो सकती है और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है। आज आप एकेडमिक कुछ बड़ा कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं या इंडस्ट्रिस्ट हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया, अपने कार्य की शुरुआत करिए। प्रथम शुरुआत ही आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा। आज आप पुरस्कृत हो सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? अति आत्मविश्वास से बचें, आपको दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल भांग धतुर जरूर अर्पित करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफ़ेद, लक मीटर 7, हरे कृष्ण।